बिलासपुर में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में उपायुक्त रोहित जम्बाल ने रिबन काटकर अभियान का शुभारंभ किया। बिलासपुर अस्पताल में सबसे पहला टीका अस्पताल में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनंत राम को लगाया गया। वहीं दूसरा टीका MS डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज व तीसरा टीका चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सतीश शर्मा को लगा। वहीं टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे उपायुक्त रोहित जम्बाल ने CMO व MS के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। इस टीकाकरण अभियान को लेकर बिलासपुर अस्पताल में विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत एक टीकाकरण कक्ष, इंतजार कक्ष और विश्राम कक्ष बनाया गया है। MS डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने कहा कि सभी लोगों को टीकाकरण अभियान में भाग लेना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। नरेंद्र भारद्वाज, मेडिकल सुपरिटेंडेंट RH बिलासपुर। जैसे मैंने अभी अभी जो है कोरोना वैक्सीन का जो टीका लगवाया है, तो मैं अब सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस टीके को लगवाए सभी। इसमें घबराएं नहीं, और जो लोगों को भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं उन भ्रांतियों से दूर रहें और इसको टीका लगवाएं, ठीक है। बाकी इसे मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें देखने को आया कि जैसे यूनाइजेशन में लोगों को टीके लगवाने चाहिए थे, लोग सामने नहीं आ रहे हैं टीका लगवाने के लिए, तो मैं तो अभी दूसरे नंबर पे लगवाया है। बाकियों से भी, मैं अपने स्टाफ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसका नाम आज आया हुआ लिस्ट में, वो अपने टीके